नमस्कार जी सभी को, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आपके लिए फिर से एक वीडियो ले आया हूं साथियों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की। ज्वाइनिंग लेटर आने हुए शुरू। जी हां दोस्तों, जिस भी डिपार्टमेंट ने, साथियों पूरी खबर सुनना और अच्छे से सुन लेना, फिर बार बार ये मत कहना कि मेरा ये रह गया। साथियों जिस भी डिपार्टमेंट ने, आप अगर जिस भी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, उस डिपार्टमेंट ने अपना डाटा अगर ट्रांसफ़र कर दिया है हरियाणा कौशल में, तो उनके ज्वाइनिंग लेटर बढ़ने शुरू हो गए हैं साथियों, और धड़ल्ले से सभी के पास आने शुरू हो गए हैं। जिस भी साथी के पास में आया हो, तो वो अपने टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, उसके अंदर शेयर कर दे साथियों। अपनी डिटेल मिटो के, अपनी डिटेल को मिटो के वो शेयर कर सकता है, तो अपने टेलीग्राम पे ज़रूर से ज़रूर भेजें साथियों। तो आपको मैं दिखा देता हूँ ये लेटर किस किस के आए हैं साथियों। ये देख लीजिए दोस्तों, ये 28/3, 28/3 यानी कि कल 28/3 को लेटर आया साथियों। आज भी 29/3 को भी काफ़ी सारे लेटर ट्रांसफ़र हुए हैं साथियों। ये बहुत से ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो गए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं हरियाणा कौशल ने। जिस जिस भी डिपार्टमेंट ने अपना डाटा डिपार्टमेंट को भेज दिया था, उनके सभी के ये लेटर आने शुरू हो गए हैं। ये देख लीजिए, इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल डिपार्टमेंट अगेंस्ट जॉब रोल, कलरक की पोस्ट का आया है साथियों। ये हरियाणा बिल्डिंग अथर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में ये लगा हुआ था, और ये कलरक की पोस्ट पर था। तो ये देख लीजिए, 1/4/22 से लेके इसका 31/3/23 लग इन्होंने लिखा है, मंथली पेमेंट इसको 16,000 रुपये मिलेगी। अगर कलर्क हैं तो आपको 16,000 रुपये सैलरी मिलेगी। EPF ESIC इंक्लूडेड, इंक्लूडिंग इसके अंदर इंक्लूड है साथियों। ये जो EPF और जो ESIC है ना, इसके अंदर इंक्लूड है ये 16,546 के अंदर, यानी कि इसका ये मान के चलो कि 2,000 रुपये के करीब EPF ESIC कट जाएगा, यानी कि इसको कैश इन हैंड 14,000 कुछ रुपये मिलेंगे साथियों। ठीक है, ये देख लीजिए, नीचे इन्होंने टर्म एंड डिप्लॉयमेंट आर फॉलो, यानी कि ये इन्होंने बताया कि आप इस तरह से ये फॉलो करेंगे सारी डिटेल, आपको 1 ईयर की ज्वाइनिंग दी जाएगी। और ये आप, कई साथियों का ये डाउट है कि इसमें तो 1 ईयर की ज्वाइनिंग इन्होंने दी है साथियों। साथियों कोई बात नहीं है, 1 ईयर तो एक बार ये ज्वाइनिंग ले लीजिए आप, बाद में देखते हैं कि क्या क्या रूल होते हैं, बाद की बाद में देखी जाएगी। आपको 1 साल के लिए अच्छी सैलरी तो मिल जाएगी। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है 8,000 रुपये में लगा हुआ था, अब उसको मान लो 16,000 रुपये मिलेंगे साथियों, तो 8 से अच्छे तो 16 तो हैं। एक बार आप जैसे किसी भी कच्चे कर्मचारी लगे हुए थे, आपको पक्का तो वैसे भी नहीं होना था अभी तक, अगर आपको 8 की बजाय 16 दिए जा रहे हैं, तो आपको ये मान लो 1 साल की बजाय आपको 2 साल की नौकरी, 1 साल की नौकरी आपके फ्री मिल गई साथियों। इसलिए तो मैं यही कहता हूँ कि आप ज्वाइन कर लीजिए एक बार, आप ये पक्के होने के आज छोड़ दीजिए एक बार, बाद की बाद में देखी जाएगी। आगे आगे रूल बहुत से चेंज होते जाएंगे साथियों, आप एक बार ये ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका अगर 16,000 रुपये आपको मिल गए, तो आपकी 1 साल बच गई साथियों। तो ये देख लीजिए, इसके अंदर ये काफ़ी सारे इन्होंने रूल रेगुलेशन दिए हैं कि अगर कोई डिपार्टमेंट उसको हटा भी सकता है, अगर वो दिक्कत करता है, वो अगर अच्छे से जो जो भी डिपार्टमेंट उसको गाइडलाइन देता है कि आपको इस तरह के कपड़े पहन के आने, जूते पहन के आने, फलाना वो करके आना है, तो सब तरह की इसमें कंडीशन दी गई है उनको, जो वेलफेयर फंड के हिसाब से उसको EPF ऐसे दिया जाएगा, ये सब इसमें अंदर दिया हुआ है साथियों। इसके बाद में इनको नीचे ये इन्होंने दिया हुआ है ऑफर एस्पेक्टेंस बाय कैंडिडेट। ये देख लीजिए, ये जो नीचे लाइन दी हुई है ना साथियों, यहाँ पे आपको साइन करके, सिग्नेचर करके वहाँ पे जमा करवा देना है कि मेरा ये नाम है, और यहाँ के ये मेरा नॉमिनी नेम रहेगा, ऑल अलॉटेड हूँ, माय सर्विस इन एनी एंटिटी आई हेयर बाय, मैं सबमिट करता हूँ, मैं सारी टर्म एंड कंडीशन जो दी हुई है वो एग्री करता हूँ, जो भी ऊपर दी हुई है सारी मैं इन बातों से सहमत हूँ, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे को हटा दिया जाए, कोई वो नहीं है। तो ये सारी कंडीशन इनकी बनवा के, इसके पे लेटर पे साइन करवा के ये डिपार्टमेंट वाले रख लेंगे साथियों, और आपको भी दे देंगे। ठीक है, ये आपके पास ऑफर लेटर आने शुरू हो गए हैं, बहुत से साथियों के आ गए हैं, और जो रहते हैं उनका गद्दा का डिपार्टमेंट डाटा भेज रहा है और उनके बढ़ने शुरू हो रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, जो भी डिपार्टमेंट
अपना डाटा भेज देगा, उसी के एम्प्लॉयों के पास मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। जिसने अभी तक डाटा नहीं भेजा उसका डाटा जा रहा है, अभी तक गया नहीं है बहुत से डिपार्टमेंटों का, तो बहुत से डिपार्टमेंट डाटा अपना अपना भेज रहे हैं साथियों। तो ये आप तक न्यूज़ पहुँचानी थी, आपके लिए खुशखबरी की खबर है। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।